नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज खबर मधेपुरा से। सरकार द्वारा सोशल मीडिया पोस्ट पर कार्यवाही का आदेश जारी करने के बाद एक बार फिर से जारी तुगलकी फरमान। सत्ता व्यवस्था के विरुद्ध अगर कोई धरना प्रदर्शन या सड़क जाम करेगा तो ऐसे लोगों को नौकरी और ठेकेदारी नहीं मिलेगी के खिलाफ और लोकतांत्रिक अधिकार की रक्षा के लिए मधेपुरा कर्पूरी चौक पर जिला युवा राजद मधेपुरा ने जिला अध्यक्ष अनीता कुमारी की अध्यक्षता में अवसरवाद मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर सरकार के रवैया का प्रतिकार किया। जिला अध्यक्ष अनीता कुमारी ने कहा कि सुशासन व्यवस्था की दुहाई देने वाली नीतीश सरकार आज आवाम की अभिव्यक्ति को छीनने पर आबरू है। इसी मंसूबे को कभी सफल नहीं होने देगा युवा राजद। इसी के साथ ही कार्यक्रम का संचालन कर रहे जिला प्रवक्ता संजीव कुमार ने कहा कि 19 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा कर 40 सीट पाने वाले परिस्थिति के मुख्यमंत्री वोट लेने के बाद नौकरी देने के बजाय नौकरी छीनने की बात कर देश के भविष्य युवाओं पर भी कुठाराघात कर रही है। संजीव ने कहा, नीतीश कुमार डरे सहमे होने के कारण मुसोलिनी और हिटलर के विचार का प्रयोग कर आवाम को परतंत्र बनाना चाहते हैं। वक्त की नजाकत को भांपते हुए भ्रष्ट व्यवस्था के विरुद्ध आवाम को संघर्ष की राह लेने की जरूरत है। किया गया है, क्यों ऐसा किया गया? नीतीश कुमार जो सुशासन बाबू के नाम से बिहार में प्रचलित है, पिछले दफा भी इन्होंने सोशल मीडिया एक पर एक आदेश जारी किया था और उसकी वर्तना पूरे बिहार में हुई थी। उसके फिर कुछ दिन बाद इन्होंने कहा है कि सत्ता शासन के खिलाफ जो भी व्यक्ति आवाज बुलंद करेगा, सड़क पर उतरेगा, जो रोड को जाम करेगा, उसको ना तो रोजगार मिलेगा, ना नौकरी मिलेगी, ना ठेकेदारी मिलेगी, उन्हें जेल जाना पड़ेगा। नीतीश कुमार, कान खोल करके सुन लो, बिहार बिहार क्रांतिकारियों की धरती रही है। तुम्हें हम जताना चाहते हैं समाजवादी धरती मधेपुरा से कि तुम्हारे हर इस तरह के तुगलकी फरमान का हम प्रतिकार करेंगे और जब तक शरीर में सांस है तब तक तुम्हारे फैसले का खिलाफ करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। जिला उपाध्यक्ष विकास यादव, नगर प्रधान महासचिव ऋषिकेश विवेक एवं जिला महासचिव मंजेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री राजनीति तनाव से ग्रसित हैं और जनता से भयभीत होकर इस प्रकार के फरमान जारी कर रहे हैं। प्रदेश सचिव रितेश यादव एवं जिला महासचिव पुरुषोत्तम प्रिंस ने कहा कि प्रपंच के माहिर नीतीश कुमार जनता की अभिव्यक्ति पर लगाम लगाना चाहती है जो दिवास्वप्न के सिवा और कुछ नहीं है। वहीं हमारे परमार्थ आवाज मधेपुरा की ब्यूरो चीफ सविता नंदन कुमार ने पुतला दहन से पहले ही राजद नेत्री रागनी यादव से पुतला दहन को लेकर कुछ खास बातचीत भी की। आइए सुनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज और मैं हूं आपके साथ सविता नंदन कुमार। बिहार सरकार हो या भारत सरकार लगातार नई नई कानूने लेकर आ रही है जनता के बीच, और चाहे केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, उनके विपक्ष में जो खड़े हैं जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो लगातार उस बिल को लेकर, उस कानून को लेकर हमला बोल रहे हैं, लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। आज मधेपुरा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पुतला दहन होने वाला है। आखिर क्यों होने वाला है, क्या कारण है, क्या उद्देश्य है, हम आज जानेंगे। मधेपुरा के नेत्री हैं, राजद नेत्री हैं रागनी रानी यादव जी, आज इनसे जानेंगे कि क्या आप विपक्ष में बैठे हुए हैं और आपके सामने जो सत्ताधारी सरकार है नीतीश कुमार जी, आप उनका पुतला दहन करने जा रहे हैं आपकी पार्टी के द्वारा। आखिर क्या कारण है, क्या वजह है, क्या उद्देश्य है कि लगातार कोई भी कानून आती है तो उन पे विपक्ष हमला बोलकर आंदोलन करती है, हंगामा करती है और पुतला दहन करती है। आखिर क्या कारण है आज का पुतला दहन का? हाँ, अभी का जो बहुत बड़ा कारण है जो सभी देश की जनता जानती है, और ये जो सरकार का जो पुतला दहन हो रहा है, ये ऐसा है कि जो नीतीश कुमार जो सरकार में है, अभी बिहार सरकार में है, उनको पता होना चाहिए कि सदन से सड़क तक की ये लड़ाई है और ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक कि ये बिल वापस नहीं होगा। और ये जो सरकार बोलती है, जो अगर जो भी धरना होगा, प्रदर्शन होगा, उसमें जो विद्यार्थी करेंगे उसको नौकरियां नहीं दी जाएगी, तो एक्चुअल में सरकार को ये भी थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देना चाहती हूँ कि जो उन्होंने 19 लाख नौकरी का जो उन्होंने दावा किया था, अभी तक 19 लोगों को भी नौकरियाँ नहीं मिली है, और वो तो ऐसे ही अन्याय पर अन्याय कर रही है। वो हम लोगों की आवाज़ को दबाना चाह रही है, लेकिन हम लोग आवाज़
को नहीं, हमारी आवाज़ कभी नहीं दब सकती है। और हम ये कोई विरुद्ध की बात नहीं है, एक एक ही अन्याय हो रहा है जनता के साथ, किसानों के साथ, और इस अन्याय को हम लोग नहीं सहन करेंगे। और मालूम होना चाहिए, जब जवाहरलाल नेहरू जी जब सरकार बनी थी तो उन्होंने कहा था कि 5 साल तक कोई भी नहीं होगा। उस समय डॉक्टर लोहिया जी ने कहा था कि हम 5 साल तक इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि जिस दिन जनता का विरोध होगा हम लोग उस दिन आवाज़ उठाएंगे। और ये विरोध क्या, ये हर लोगों को बाहर आना चाहिए कि जो किसान है, जो अन्नदाता है, वो हमारे, वो उनके उन पर अन्याय हो रहा है, उन पर अन्याय हो रहा है, माना हम पर अन्याय हो रहा है, और हमें आना चाहिए आगे। और इसलिए हम लोग तब तक जारी रखेंगे, तब तक पुतला भी दहन करेंगे, और हम लोग आगे आएंगे जब तक बिल वापस नहीं होगा। इनका साफ कारण, इनका साफ कहना है कि सरकार जो भी बिल लाएगी, यदि सरकार बिल लाती है वो जनता के हित में नहीं होगा, तो हम विपक्ष में रहकर लगातार जनता के साथ खड़े होकर आंदोलन करेंगे, जन आक्रोश करेंगे। आप लगातार देखते रहें परमार्थ आवाज। मैं सविता नंदन कुमार कैमरा के। पुतला दहन में राजदीप कुमार दिव्यांग प्रकोष्ठ, जिला अध्यक्ष युवा नेता इंग्लिश यादव, छात्र नगर अध्यक्ष डेविड किंग, नगर अध्यक्ष मणिराज सोनू, रोशन यादव, प्रिंस यादव, युवा नेता रुपेश यादव, आशीष कुमार, विक्रम यादव, दारा यादव, बिट्टू कुमार, सुमन सौरभ, बिमलेश कुमार यादव, प्रवेश, पिंटू, विवेकानंद, प्रभास, छोटू आदि उपस्थित थे। मधेपुरा ब्यूरो चीफ सविता नंदन कुमार की रिपोर्ट।